लेबर चार्ज इनका कितना हुआ है बीम चेंज करने का? सचिन बहुत से लोग बोलेंगे आपने महंगी पाई बीम, अब निकालने का जुगाड़ बना गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी रही होगी, उसमें मेरी टाटा विस्टा की बीम क्रैक हो गई थी। क्रैक होने के साथ साथ आज इसकी ये कंडीशन है कि आपको दिखाऊंगा तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इसकी जो आप बीम है एकदम से पूरा टूट चुकी है। मैं खड़ा हूँ रीवा के न्यू बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास और जा रहा हूँ मैं इसको चेंज करवाने, अगर हो जाती है तो। बाकी मैं बहुत ही रिस्की कंडीशन में इसको लेके आया हूँ। कंडीशन कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं इसका टायर पूरा अंदर घुस गया है इधर से और एक टायर पूरा टेपर हो गया है, ये देखिए। और अंदर भी देख सकते हैं पूरा क्रैक है बीम। मैं उस साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अंदर घुसते हुए नहीं बन रहा है। तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। घर से लगभग मैं 50-60 किलोमीटर आ चुका हूँ और धीरे धीरे आया हूँ। मैं सिंगल आया हूँ, ज़्यादा मेरे साथ कोई है नहीं, देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी उतना अभी सही कंडीशन में नहीं है कि इसमें बहुत लोगों को बैठा के और कहीं भी जाया जा सके। देख सकते हैं समदड़िया मल्टीप्लेक्स रीवा का। तो रीवा में अपने बहुत ज्यादा फ्लाई ओवर है, ये फ्लाई ओवरों का शहर है रीवा अपना। बहुत हाईटेक फ्लाई ओवर बन चुके हैं, बस फ्लाई ओवर की जो क्वालिटी है ना वो उतनी बढ़िया नहीं है। फ्लाई ओवर तो सरकार अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बनवा दी है। गाड़ी में रख दो ना। ये दोनों को नक्कल बजा के देख ले, नक्कल में तो बीम तो मैंने ले लिया है। बहुत से लोग बोलेंगे आपने महंगी पाई बीम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो थोड़ा महंगा ही बिकता है। और होता क्या है, रीवा जैसे सिटी में मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप इलाहाबाद, नागपुर और बड़े बड़े सिटी में जैसे आप जाएंगे तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे और थोड़ा प्राइस भी कम लगेगा। तो मेरे को ये बीम देख सकते हैं अभी गाड़ी में रखी है और इस बीम का मैं प्राइस भी आपको बताता हूँ। क्या बताएं, स्क्रैप वालों को लगता है कि एकदम नए से भी महंगे में बेच दूँ अगर कोई सही ढंग का बंदा मिल जाए तो। लेकिन हो गया, मेरे को इन्होंने बड़े मुश्किल से, मैं आपको बताऊँ, 3300 रुपये में खाली बीम बस दिए हैं। अभी जहाँ पे मैं लगवाऊंगा उसका चार्ज अलग लगेगा, जो भी लगेगा 1000-1500-1500 जो भी लगेगा उसका चार्ज मेरे को ही देना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि ये महंगी ही पड़ रही है मेरे को। बाकी इसका नए का रेट भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये विदाउट ड्रम है, ड्रम के साथ नहीं है और ये ओरिजिनल जैसे टाटा की है। तो मैं सोचा चलो लगवा लेते हैं, जो भी बच रहा है पैसा। पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी में आदमी हिसाब से ही लिमिटेड पैसा खर्च करता है। तो चलिए सचिन भैया के पास चल के आपसे मिलते हैं और देखते हैं उनका काम। तो अभी आप टायर को देखिए, ये पूरा ऐसे हो गया है, पेपर टाइप अंदर घुस गया है क्योंकि अंदर से ही बीम टूट गया। ऐसे में मैं इसको चला रहा था तो मैं आ गया हूँ ओम मोटर वर्कशॉप में दोबारा से और सचिन भैया अपने मिले हैं। सचिन भैया क्या कहना चाहते हैं? होल फिटिंग करना पड़ेगा और क्या। अच्छा, सचिन भैया इस बार काफ़ी खुश हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है धीरे धीरे और इस बार ये मेरी विस्टा का करने वाले हैं बीम चेंज। रीवा के जय स्तंभ चौक में हूँ मैं, तो रीवा के आसपास जितने लोग भी रहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत वो तो मिल ही जाएगा कि कहाँ हम काम करवा सकते हैं और कहाँ अच्छे मैकेनिक रहते हैं। और सचिन भैया को देख सकते हैं, ये अशोक लीलैंड, टाटा एस, ये सब इसी तरह की गाड़ी बनाते रहते हैं। ये थोड़ा ट्यूब निकाले, ट्यूब चेक कर ले, वही है ना। हाँ वही है, वही है, देख लो। काफ़ी मेहनत इसमें लगने वाली है क्योंकि बहुत चीज़ खोलना पड़ेगा इसमें।
घर वाला नहीं है पता। ये सचिन भैया का कोई जुगाड़ है, अब निकालने का ये जुगाड़ बना के रखे हैं। उस दिन मैं आपको दिखाया था गियर ऑयल डालने का जुगाड़, और आज दिखा रहा हूँ ये हब निकालने का जुगाड़। अब देख सकते हैं ये दोनों नट टाइट कर दिए जाते हैं, इसके बाद फिर इसको जब टाइट करते हैं तो ये बाहर निकल आता है। देख सकते हैं निकल आया बाहर। देख सकते हैं हब भी खुल चुका है। अब मेन जिसपे चार बोल्ट से बीम कसी रहती है उसको खोला जा रहा है, बाकी देख सकते हैं सॉकर के बोल्ट भी खोल दिए गए हैं। भाई साहब एक चीज़ मैंने देखा है, 40,000 किलोमीटर पहले मैंने इस पर ब्रेक शू डलवाए थे दोनों साइड के, और ब्रेक शू अभी भी अच्छे कंडीशन में, देख सकते हैं लगभग 50% बचे हैं दोनों साइड के। तो ये ब्रेक शू पीछे के बहुत चलते हैं। सारे बोल्ट खुल गए हैं और बस अब इसको उतारना बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं अपने सचिन भैया इसको बाहर निकाल दिए हैं, और अब आपको क्लोजअप व्यू देते हैं। ये देखिए कहानी इसकी, तो पुरानी निकल जाने के बाद अब इसमें जो दूसरी मैं लेके आया हूँ ये भी पुरानी है, अब इसकी लगाने की तैयारी हो रही है, इसको अच्छे से चेक कर रहे हैं। बाकी इसके सॉकर वोकर भी हम चेक कर लेंगे कि वो सही है कि ख़राब हो गए हैं, ड्रम चेक कर लेंगे, ब्रेक शू वगैरह हर एक चीज़। तो काम देख रहे हो इनका, एक नंबर वाला काम, एक नंबर सचिन भैया एक नंबर। इसके बुश भी कटे थे, इसके बुश कैसे हैं सचिन भैया? इसके बुश सही है, सही हैं, गजब यार, मतलब इसके बुश भी सही मिल गए जो अभी मैं लेके आया, बाकी मेरी वाली के तो बुश भी ये देख सकते हैं पूरा ख़राब थी, बहुत बुरी तरह ख़राब। यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक, तो पूरा क्रैक क्या पूरा दो टुकड़े में थी। इसके अंदर एक पाइप होती है जो इसको थोड़ा सपोर्ट दे के रखती है। ये अभी इसके सारे चूड़ी चेक किए जा रहे हैं नट के, क्योंकि बहुत दिनों से जैसे पड़ी थी तो इसके जो थ्रेड होते हैं उनमें रस्टिंग हो गई थी, जिस वजह से जो बोल्ट अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे थे, तो उसको अभी चेक कर रहे हैं अपने सचिन भैया। देख सकते हैं भाई साहब पंच खड़ी है, पंच यार इसमें पैनल गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पंच में क्या पंच सारी पंच में ही होंगे। पानी पीने की बना देगा। तो आज ये लड़का फिर से आ गया है फ्री वाली चाय पिलाने, और इसकी चाय बहुत अच्छी रहती है। जब भी आप रीवा में आए सचिन भैया के पास तो चाय वाले के पास चाय जरूर पीना, क्या बोलते छोटू? प्रोसेस अब लास्ट चरण में है, पूरा सब कंप्लीट फिट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा है जो ये फिट कर रहे हैं अपने सचिन भाई। देख सकते हैं ये जो इसका ये ब्रेक शू है उस साइड का तो क्लीन कर दिया है रेक मार्क कागज से, मतलब सैंड पेपर से, और इस साइड का थोड़ा कर देंगे। इसके बाद बस फिटिंग बाकी है, और एक बार इसका ऑयल ब्लीड कर देंगे ब्रेक का, ताकि एयर ना रह जाए और ब्रेक भी अच्छे से लगे।
तो ये सब सिस्टम करने में थोड़ा सा ब्रेक ऑयल भी गिर गया है, तो अभी हम नया मंगाए हैं .4 KBX। बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लगभग इसमें 2-3 घंटे निकल गए ये काम करने में। तो अपनी गाड़ी का पूरा काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम सचिन भैया से पूछते हैं कि उनका लेबर चार्ज कितना हुआ है। आइए सचिन भैया, लेबर चार्ज इनका कितना हुआ है बीम चेंज करने का, सचिन भैया बताओ। 700 रुपए हो गया। 700 रुपए ब्रेक ऑयल का अलग। कितना? 120 रुपए। 120 रुपए ब्रेक ऑयल का। तो आप समझ सकते हैं सचिन भैया, आपने रीवा में अपना एड्रेस बताओ। जयस्तम चौक रीवा। हाँ, इसका ओम मोटर वर्क साहब। तो आसपास अगर कोई भी रहते हैं तो सचिन भैया से आके आप लोग काम करा सकते हैं। बीम तो चेंज हो गई अपनी कार की, और जैसे ही अपने घर की ओर मैं चला, देखा एक ब्रांड न्यू XL6 एक्सीडेंट, खतरनाक वाला एकदम। अभी इसके सीट से पॉलीथीन तक नहीं उतरी थी, देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।